कंप्यूटर टेक इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद फैजान। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। आज हम डेस्कटॉप की फाइल से ही ओपन कर लेते हैं। इसको डबल क्लिक करेंगे, ये फाइल अपने आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खुल जाएगी, अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पड़ा होगा तो। ठीक है, फाइल पर डबल क्लिक करने से फाइल भी उसी प्रोग्राम में खुलेगी जिस प्रोग्राम की बनी हुई है। तो ये हमने लिखा हुआ है और आज हम फॉन्ट ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। फॉन्ट ग्रुप में कौन कौन सी कमांड्स हैं, ये सभी कमांड्स फॉन्ट ग्रुप की हैं। और हमने फॉर्मेट प्रिंटर को पीछे छोड़ दिया था, उसको भी आज करेंगे। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करके हम इसकी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट क्या होता है, ये चीज़ फॉन्ट कहलाती है। फॉन्ट होता है इस लिखे हुए का स्टाइल, मतलब ये इस तरह से लिखा हुआ है बारीक बारीक, अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो हम चाहते हैं थोड़ा अच्छा सा लगे, तो आप यहाँ इसमें फॉन्ट के ड्रॉप डाउन, ये ड्रॉप डाउन बटन कहलाते हैं जिन पर ये पॉइंट बना होता है, और ये स्क्रॉल बार कहलाती है जो कि मैं बता चुका हूँ आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के उधर साइड में होती है, वो यहाँ पर भी होती है। ये सब फॉन्ट्स कहलाती हैं। लिखने का स्टाइल आपको ये वाला करना है, ये वाला करना है, ये फॉन्ट्स होती हैं। इंटरनेट से अलग से डाउनलोड करके भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जितने अच्छे अच्छे स्टाइल हैं ये। ठीक है, तो ये मैंने कुछ फॉन्ट एक्सटर्नली इंस्टॉल की हुई है इसमें, ये आपके कंप्यूटर में नहीं होंगी तो आप इनको इंस्टॉल कर लीजिए। ये इस तरह से, अगर आप इसको देखना चाहते हैं, मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखिए, और देखिए ये इसका स्टाइल बिल्कुल अलग है औरों से। ये देखिए यहाँ पर बिंदे बिंदे हैं, चलिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये था फॉन्ट। और अगर हमें फॉन्ट का साइज बड़ा करना हो, जैसे कि ये थोड़ा छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, मैं चाहता हूँ थोड़ा और बड़ा बड़ा दिखाई दे, तो ये फॉन्ट का साइज है। ये 11 फॉन्ट में लिखा हुआ है, आप इसको 16, 22 कितना भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 14, 12, 8, 9 या और कम भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये फॉन्ट साइज है। नॉर्मली अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो उसको फॉन्ट साइज 11 में रखना चाहिए। जब आप प्रिंट करेंगे तो उसका प्रिंट बस नॉर्मली पढ़ने लायक होगा, रीडिंग लगा ली जा सकती है उससे। आप अपने लिखे हुए का साइज बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, या जितना इस मेन्यू में दिया हुआ है 72 उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। कैसे, इस पर टाइप कर सकते हैं कि मुझे 100 चाहिए और एंटर करेंगे तो 100 हो जाएगा, ये 100 हो गया है देखो, और जबकि इसमें यहाँ पे 72 ही है। ठीक है, तो इसमें 36 या आप चाहते हैं 9, या आप यहाँ से नंबर डाल के नहीं करना चाहते तो ये ग्रो फॉन्ट का बटन है, इस पर क्लिक कीजिए, ये फॉन्ट ग्रो होगी। इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट श्रिंक होगी। तो ये साइज से ज़्यादा बड़ा और साइज से ज़्यादा कम करने के लिए यूज़ होती है। जब 72 से 100 से भी ऊपर करना हो, ये देखिए ये हो रहा है और ये कम भी हो रहा है इस तरह से, तो ये साइज कम भर्ती करने के लिए यूज़ होता है। ये इस कमांड का नाम ग्रो फॉन्ट है, इसका श्रिंक फॉन्ट है। जब माउस कर्सर हम इन पर लाते हैं तो इनका जो है ये पता चलता है, ये ठीक है। जिस कमांड का नाम चेंज केस होता है, चेंज केस तब के लिए होती है। ये सब हमने स्मॉल में लिख दिया है और हमें सब कैपिटल में टाइप करना था, तो चेंज केस में जाकर ये अपर केस है, यहाँ पर सब कैपिटल में हो जाएगा। ये लोअर केस है, इसमें सब छोटे में हो जाएगा। सेंटेंस केस है, हर फुल स्टॉप के बाद पहला अक्षर बड़ा होगा, और कैपिटल ईच वर्ड में फुल स्टॉप हो या ना हो, हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा होगा। वर्ड 3 अक्षरों से या 4 अक्षरों से या 5 अक्षरों से या 2 अक्षरों से मिलकर वर्ड बनता है। ठीक, टगल केस, इसमें हर वर्ड का पहला अक्षर छोटा होगा, बाकी सब बड़े होंगे। जैसे ये दिखा रहा है, ये कितना भद्दा सा लग रहा है और ये काफी अच्छा लग रहा है। क्लिक करके दिखाता हूँ मैं, देखिए ओ का, ऑफ का ओ बड़ा हो गया है, सेलेक्ट का एस बड़ा हो गया है, टेक्स्ट का टी बड़ा हो गया है, इन का आई बड़ा हो गया है, इस तरह से। तो ये चेंज केस था, इसको सेंटेंस केस कर लेते हैं। बोल्ड होता है कि अपने लिखे हुए को थोड़ा चौड़ा करना चाहते हो, मतलब औरों से डिफरेंट
यानी हेडिंग टाइप, या कुछ इंपॉर्टेंट है उसको बोल्ड करके दिखाना चाहते हो, इटैलिक होता है थोड़ा तिरछा करके दिखाने के लिए, ये इस तरह से, ये औरों से अलग दिखाई दे रहा है बिल्कुल, या अंडरलाइन होता है इसके नीचे लाइन लाने के लिए जितना हमने सिलेक्ट किया हुआ है, या ऊपर अगर हमने हेडिंग बनाई हुई है, मानो इसको हमें हेडिंग टाइप बना लेता हूँ, एंटर करो और इसको थोड़ा सा स्पेस के बटन से इधर ले आओ, फिलहाल सिलेक्ट करके अंडरलाइन करो, ये अंडरलाइन हो जाएगा। यहाँ से अंडरलाइन का हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि मोटी या इस तरह की चाहिए, इस तरह की तुम्हें चाहिए, या यहाँ से अंडरलाइन में कलर भी कर सकते हैं कि मुझे जो ये लाइन है नीचे वाली ये रेड कलर से चाहिए, कि मुझे इसकी गलती दिखानी है, गलती है तुम्हारी, या अंडरलाइन में से इस तरह की लगा लीजिए, या ये इस तरह की, जैसे तुम चाहते हो उतने अच्छे से अंडरलाइन लगा सकते हो। स्ट्राइक थ्रू होता है, अगर आप किसी और की एप्लीकेशन या कोई फाइल चेक कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो आप स्ट्राइक थ्रू लगा सकते हो कि ये कटा हुआ है, इससे उसको अपनी गलती का भी पता चलेगा कि ये मेरी गलती है और तुम उसको यहाँ से हटाओगे भी नहीं, ठीक है, ये स्ट्राइक थ्रू होता है। अगर आप टाइपिंग में 12th लिखना चाहते हैं और TH ये ऊपर नहीं जा रहा है, तो आप इसको हटाइए, बैक कीजिए और इस कमांड को ऑन कीजिए, इस कमांड का नाम सुपर स्क्रिप्ट है, क्लिक करने के बाद ये येलो हो जाएगी, जब ये येलो होगी तो TH ऊपर आएगा, या और कुछ भी आप लिखेंगे वो सब ऊपर आएगा, ठीक है। तो हमें जो भी लिखना है ऊपर, गणित की बुक बनाते हुए इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, x² 2 लिखने में, 12² 2 लिखने में, या ब्रैकेट² 2 लिखने में, होल² 2 लिखने में, इस तरह से इसका यूज़ होगा। इसको दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये येलो से हट जाएगा और अब लिखा हुआ नॉर्मल आएगा। इसी तरह से अगर आप साइंस बुक बना रहे हैं तो आपको O2 की ज़रूरत पड़ेगी, ये 2 नीचे की तरफ जाएगा, तो इसके लिए ये वाली कमांड है, इसका नाम सबस्क्रिप्ट है, इस पर क्लिक करेंगे और अब 2 लिखेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा, ये सबस्क्रिप्ट कहलाती है, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ये कमांड होती है। आप टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर ये 2010 में लेटेस्ट कमांड है, ये पहले नहीं थी किसी में, कि आप अपने लिखे हुए टेक्स्ट को इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह से थी कि आप नया लिख सकते हो इस तरह का, लेकिन ये नहीं थी कि लिखे हुए को आप इसमें कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। और ये उसकी आउटलाइन का कलर है, ये जो ये हमने बनाया है, मानो हमने इसको इस कलर में कर लिया है, आप चाहते हो ये जो वाइट आउटलाइन आ रही है इसकी, ये आउटलाइन रेड कलर किया है, तो आप इसको रेड कर सकते हो, ये देखिए रेड हो गई है, मगर बीच में ब्लू कलर फिल हुआ हुआ है, तो अभी इसमें ब्लू कलर के लिए भी ऑप्शन होगा, ये शेडो है इसकी परछाई छोड़ने के लिए, आप इसकी परछाई दिख रही होगी, यहाँ पर ही नीचे की तरफ जाएगी, यहाँ पर साइड को जाएगी, यहाँ पर लेफ्ट को जाएगी, या रिफ्लेक्शन है इसमें, ये वाला रिफ्लेक्शन है कि नीचे को इतना रिफ्लेक्ट हो के दिखे, सभी दिखाई दे रहे हैं देखो, या इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो के दिखे, दिख रहा है ये, या उससे ज़्यादा दिखाई दे, इस तरह से ये रिफ्लेक्शन है, ग्लो है इसके चारों तरफ, ग्लो दिखाई दे किसी कलर का, रेड लाइन तो दिखाई दे, उसके साथ में ग्रीन कलर का ग्लो भी दिखाई दे चारों तरफ, अब आप देख पा रहे होंगे कि देखिए ये ग्रीन कलर का ग्लो भी है। आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, आप चाहते हैं ये हाईलाइट हो जाए, तो हाईलाइट होता है इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए, आप इतनी बात को अपनी इम्पोर्टेंट दिखा सकते हैं, ये देखिए ये बात इम्पोर्टेंट है तो उसको हमने कलर कर लिया है, या ये इम्पोर्टेंट है तो उसको, जितनी भी इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट करके दिखा सकते हो। सरकारी दस्तावेज में इसकी ज़रूरत पड़ती है, आपको कुछ टेक्स्ट अगर किसी की टाइपिंग की है वो मोटी मोटी बातों को हाईलाइट करवाते हैं, तो इस तरह से आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, या आप टेक्स्ट में स्टाइल नहीं नॉर्मल कलर चाहते हैं, तो आप यहाँ से कोई भी कलर पर क्लिक करके वो कलर इसमें फिल कर सकते हैं, ये देखिए ये रेड कलर हो गया है, ये नॉर्मल कलर हो गया है, स्टाइल से हट चुका है। अब आप चाहते हैं कि ये सारी कमांड्स जो भी मैंने इस पे लगाया हुआ है सब हट जाए, तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग है, सब हट जाएगा, लेकिन बस क्या नहीं हटेगा, जो हमने इम्पोर्टेंट दिखाया था वो नहीं हटेगा,
वो भी अगर हट गया तो इस कमांड का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट को भी ये रिला देगी तो फिर क्या फायदा इसका। तो फॉर्मेट प्रिंटर होता है कि हम इस पर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब भी हम इस ब्रश को फेरें तो कुछ फॉर्मेटिंग हो जाया करे। वो फॉर्मेटिंग हम सेट करना चाहते हैं कि वो किस तरह की फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। तो फॉर्मेट प्रिंटर को लीजिए, उसके बाद सिलेक्ट कीजिए कि जब मैं फॉर्मेट प्रिंटर को इस पर फेरूं तो इसका किसी भी अक्षर पर अगर इसको ब्रश को फेरूं तो उसका फॉन्ट ये हो जाना चाहिए। तो जब हम इसको लेंगे और फेरेंगे तो उसका फॉन्ट ऐसा ही हो जाया करेगा। ये देखिए ये हो रहा है। तो इसी तरह अगर तुम चाहते हो कि फॉर्मेट प्रिंटर जब मैं फेरूं तो उसका स्टाइल ये हो जाए, तो उसका स्टाइल सेट कर लिया है अब हमने। और ये फेरने से ये नहीं हुआ, इसको क्लिक करो, दोबारा से करो, यहाँ से ये हो गया है। अब लो करो, ये हो रहा है, ये इस तरह से। तो ये फॉर्मेट प्रिंटर एक तरह से कॉपी फॉर्मेटिंग होता है। इस फॉर्मेटिंग को हम एक तरह से ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं। पहले सबको क्लियर फॉर्मेट कर लो, उसके बाद आप इस पर थोड़ी सी कहीं भी एक जगह फॉर्मेटिंग कर लो कि ये इसका साइज ये हो जाया करे, फॉन्ट ये हो जाया करे, कलर रेड हो जाया करे, और अंडरलाइन हो जाया करे, और बोल्ड इटैलिक हो जाया करे। तो ये हमने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की हुई है। हम बार बार हेडिंग बनाना चाहते हैं तो इस फॉर्मेटिंग को हम कॉपी कर सकते हैं। फॉर्मेट प्रिंटर का शॉर्ट की ये है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ सी करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी। उसके बाद जहाँ पर भी आपको इस तरह की ये चाहिए फॉर्मेटिंग, तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए, जिस पर भी चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ वी करना है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ वी करने से वो फॉर्मेटिंग उस पर अप्लाई हो जाएगी। यही फॉर्मेट प्रिंटर का यूज है। अगर अभी तो फॉर्मेट प्रिंटर एक ही काम कर पा रहा था, हम ज्यादा करना चाहते हैं तो फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करो और ये फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करो। यहाँ से सारे काम इसको डिसाइड कर दो कि जब फॉर्मेट प्रिंटर फिराए तो इसकी फॉन्ट ऐसी हो जाए, बोल्ड हो जाए, साइज बढ़ जाए या 12 हो जाए, इसका फॉन्ट कलर ऑटोमेटिक येलो हो जाए, और ये डबल अंडरलाइन में आए, वो स्ट्रोक लाइन में, अंडरलाइन में आए, अंडरलाइन का कलर आए। इस तरह से आप इसको सबको पहले ही एक ही बार में डिसाइड कर सकते हैं। ओके करेंगे तो जहाँ पे ये क्लिक करके गए होंगे वहाँ का तो होगा ही। उसके बाद ब्रश जब भी फेरेंगे तो वहाँ पे प्रिंटर फेरेंगे तो वो रेड हो जाएगा, जो भी तुमने फॉर्मेटिंग किया होगा वो वैसा हो जाएगा। ये इस तरह से ये रहा, ये आ रहा है, ये पहली बार ही फॉर्मेटिंग दिखा रहा है। ये फॉर्मेट प्रिंटर का यूज होता है। इसको हटा लेते हैं। पसंद आया हो तो कंप्यूटर टेक इन हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।